इन्हीं लोगों को अच्छा करना पड़ेगा, हमको नहीं तो अवेयरनेस सबसे ज्यादा चीज जो सबसे ज्यादा जागरूकता है लोगों में, यातायात के प्रति ट्रैफिक रूल्स के प्रति जागरूकता फैलानी पड़ेगी। सड़क में चलते समय जैसे जीवन में जीने के नियम है बहुत सारे, कॉलेज के नियम है, सबके प्रोटोकॉल्स है, सड़क के भी कुछ प्रोटोकॉल्स है, नियम है, उसको मोटर व्हीकल एक्ट में काफी विस्तार से लिखा गया, आप सर्च करोगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। मोटे मोटे चीज जो हम सड़कों पर जो गलतियां करते हैं और जिनकी वजह से दुर्घटनाएं होती है, और जो सबसे बड़ा कारण दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण है, और जो डाटा निकला पिछले साल 23 का, लगभग 70% एक्सीडेंट ओवर स्पीडिंग के कारण होते हैं। और आपने देखा भी होगा शहर में, देख लीजिए खुली रोड में, हाईवे पे देख लीजिए, रोड खाली, ऐसे गाड़ियां तेज चला रहे हैं आजकल लोग, बच्चे भी, मैंने लड़के जिंदगी में थ्रिल जरूरी है लेकिन जीवन में करो अपने तरक्की के लिए, अपने इम्प्रूवमेंट के लिए वो इंटरेस्ट होना चाहिए, लेकिन बाइक बाइक में रोड पे क्या स्टंट करना, क्या स्पीड दिखाना है, बहुत तेज सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं होती है ओवर स्पीडिंग के कारण। आमने सामने एक ट्रैक्टर और सबसे ज्यादा चोट लगती है उसमें सर में, और फिर उसमें बचने का कोई बहुत कम चांसेस रहते हैं। हेलमेट तो होता है नहीं, हेलमेट 80% दुर्घटनाएं सर में चोट लगने की वजह से होती है, हेलमेट नहीं पहनने की वजह से होती है। दूसरा कारण, एक सबसे बड़ा कारण है आजकल, गलत ओवरटेकिंग करते हैं। ओवरटेकिंग समझते क्या होता है, गलत लेन में चलना या गलत ओवरटेकिंग करना। ओवरटेकिंग मतलब कि आप कहीं जा रहे हैं, आपके सामने एक वाहन चल रहा है, उसको आपको उस वाहन से आपको आगे निकलना है, इसको कहते हैं ओवरटेकिंग। लेकिन इसके भी बहुत इसके भी स्पेसिफिक नियम आए हुए हैं कि आपको कब ओवरटेकिंग करना है, कब नहीं करना है, कैसे करना है, लेकिन हमें जानकारी नहीं होती। हम सीधा अपनी गाड़ी जा रही है और हमने अपनी तेज गाड़ी स्पीड बढ़ाई और गाड़ी को ओवरटेक कर दिया, हमने देखा भी नहीं आगे कि सामने से कोई वाहन आ सकता है या सामने कुछ खुलिया हो सकती है, छोटी सकरा रास्ता हो सकता है, सामने टर्न हो सकता है। तो जब तक उसका एक नियम है ओवरटेकिंग करने का कि आपको इंडिकेटर देना है, जब तक सामने वाला वाहन चालक आपको इंडिकेटर देके अलाउ नहीं कर देता कि आप उसको ओवरटेक कर लीजिए, तब तक ओवरटेकिंग नहीं करना चाहिए अपने अनुसार। और आपको देखना कहाँ कहाँ ओवरटेकिंग नहीं करना चाहिए, मोड़ पर कभी ओवरटेक ना करें, सामने से भी कोई वाहन आ रहा है तो ओवरटेक ना करें, छोटी सकरा रास्ता है, आगे खुलिया है, कलवर है, तो वहां पर ओवरटेकिंग नहीं करें। इसके अलावा एक कंडीशन और होती है, सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं कि हम किसी वाहन को ओवरटेक करने करते हैं और अचानक से देखते हैं कि जो हमारे सामने वाली जो गाड़ी जिसको ओवरटेक करना चाहते थे वो गाड़ी भी सामने वाले वाहन को ओवरटेक करने की उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी। अब क्या होता है, डबल रोड ओवरटेकिंग होती है, रोड में गिरा नहीं, तो जो पीछे सबसे पीछे वाला है उसका कर्तव्य है, जो नियम में लिखा हुआ है, उस ड्राइवर का ये दायित्व है, कर्तव्य है कि वो अपनी गाड़ी की स्पीड स्लो कर ले और जो सामने वाली गाड़ी ओवरटेकिंग कर रही है उसको ओवरटेक करने दे, उसके बाद फिर वो अपनी गाड़ी को ओवरटेक करे। तो ये सबसे बड़ा कारण रोड एक्सीडेंट का। तीसरा सबसे बड़ा कारण जो निकल के आया कि आजकल इसका बहुत चलन है, हालांकि इसको मैं नहीं मानता कि उसमें 4 से 5% उसमें बताया गया कि 4 से 5% कारण है दुर्घटनाओं के, किसी प्रकार का क्या शराब का नशा करके या और भी किसी प्रकार का नशा करके वाहन को चलाना। आजकल हम लोग देखते हैं रोड पर रात में काफी सारे एक्सीडेंट होते हैं और 90% कारण उसमें शराबी होती है, नशा, किसी भी प्रकार का नशा होता है, लेकिन उसको रजिस्टर नहीं करते हैं। यदि शराब में कई बार देखता हूं कि थानों पर FIR वगैरह में उसको रजिस्टर्ड नहीं किया जाता है, वो भी इसलिए कि थोड़ा सा माना का कारण, यदि आपने उसको रजिस्टर्ड कर दिया शराब वगैरह में तो फिर उसको बीमा में मिलने में दिक्कत जाती है, तो परिवार को देखते हुए काफी मामलों में ये सब चीजें सर तो अच्छे तरीके से जानते हैं, सब चीजें फैक्ट छिपा दिया जाता है कि चलो ठीक है यार, अब सामने वाले की जान पे चली गई है, कम से कम उनके जो फैमिली है उसको कुछ मुआवजा मिल जाएगा, क्लेम कैसे मिल जाए। तो इस वजह से वो संख्या 5% है दिखती है आंकड़ों में, लेकिन मेरे ख्याल से सबसे महत्वपूर्ण कारण आजकल एक्सीडेंट होने का यही है, सबसे बड़ा कारण एक ही। इसके अलावा
तेज गति हो गया, ओवर स्पीडिंग हो गया, ओवरटेकिंग हो गया, नियमों को अनदेखा करना, नियमों का पालन न करना सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं इसके कारण भी हो रही है। नियम जैसे रेड लाइट जंप करना, रेड लाइट आपके सिग्नल चौराहे पे हो रखा है लेकिन रुकना ही नहीं है, और रेड जैसा सर ने बताया, वीर सर ने बताया कि रेड लाइट आपको निकल गया लेकिन जो इशारा फिर सही चल रहा है उसकी जान खत्म आ जाती है। बहुत सारे दुर्घटना ऐसे होती है कि सामने वाली व्यक्ति के कारण उसने रेड लाइट जंप किया, जो व्यक्ति सही आया उसको टक्कर मारी और उसके साथ दुर्घटना घटी बनी। और क्या करते हैं गलतियां, सबसे बड़ी ये मैं उसमें आने वाला था, आजकल के समय में सबसे बड़ा दुर्घटनाओं का कारण क्या है, मोबाइल। मोबाइल है, मैं देखता हूँ गाड़ियों में चलाते हैं आजकल तो लोग, कारों में तो ठीक है, नहीं सर कारों में भी वो व्हाट्सएप फेसबुक या उस एक हाथ से ड्राइविंग चल रही है वो चलता रहता है। अब देखिए यहाँ पे 90% लोग यही कर रहे हैं, इवन मैं तो लगभग देखता हूँ बाइक में भी इतनी हिम्मत है, बाइक में भी वो मोबाइल देखते देखते गाड़ी चला रहे हैं, बात करना तो कम आजकल देख के उसमें चला रहे हैं। मतलब इतना दिमाग ऐसा है कि बहुत कम लोग होते हैं जो दिमाग का इस्तेमाल कई जगह कर सकते हैं, बोलते लोग होते हैं इंजीनियर होते हैं, और आदमी दिमाग है एक बार में एक चीज कर पाता है। और यदि आप गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी चलाइए, आपका ध्यान पूरा रोड पे होना चाहिए क्योंकि रोड में और भी लोग चल रहे हैं, हो सकता है आप तो ठीक चल रहे हो दूसरा सामने वाला कोई मोबाइल लेके आया और आपको टक्कर मार दे, तो मोबाइल का इस्तेमाल कम से कम करें ना, बिल्कुल हैंड फ्री भी अलाउड नहीं है सर, क्योंकि बात तो आप कर रहे हो है ना, दिमाग तो आपका नहीं चल रहा है तो अलाउड नहीं है, इसका भी जुर्माना 1000 रुपये जुर्माना है। आपको मुझे देखा ऐसे से गाड़ी चलाते हुए बात करते हुए तो 1000 रुपये का उसका जुर्माना पहले 500 का बढ़ा दिया, अब धीरे धीरे जुर्माना बढ़ रहा है। हाँ जितनी सख्ती नहीं होगी तो सुधार नहीं आएगा पहले, और उसके बाद चलने वाले जो हम पैदल चलते हैं उसमें बहुत गलतियां करते हैं, रोड क्रॉस करना है तो कहीं से भी रोड क्रॉस कर ली, देखना ही नहीं है किस तरफ चलना चाहिए रोड के, बाई तरफ है ना, क्यों चलना चाहिए बाई तरफ, देखिए सब कहते हैं कि रोड की बाई तरफ चलना चाहिए, बाई तरफ चलना चाहिए, लेकिन नियम क्या है कि बाई तरफ चलने का नियम सिर्फ किसका है, वाहनों का, वाहनों को बाई तरफ चलना चाहिए, लेकिन यदि पैदल यात्री है, पैदल आप रोड पर चल रहे हो, यदि फुटपाथ बना है रोड के साइड में तो विलियम गुड़ा फुटपाथ पे चलिए, फुटपाथ पे चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फुटपाथ नहीं है तो आपको रोड के किस तरफ चलना चाहिए, दाहिनी तरफ, तो बोला दाहिनी तरफ क्यों चलना चाहिए, सामने से बाई तरफ चलोगे वाहन भी आपकी ट्रैफिक भी लेफ्ट में चल रहा है पीछे से आपको टक्कर मार गए आपको पता नहीं चलता है, लेकिन आप राइट साइड चलोगे तो एटलीस्ट सामने से जो वाहन आ रहे हैं वो आपके सामने से दिखाई देंगे कि आप उससे अपना बचाव कर सकते हैं। तो इसलिए खाली आंख मीच के नहीं बोलना कि बाई तरफ चलना बाई तरफ चलना, बाई तरफ चलने के लिए हम वाहनों के लिए और पैदल यात्रियों के लिए, यदि फुटपाथ है तो फुटपाथ पर चलिए अन्यथा रोड के दाई तरफ चलिए, तो ये गलतियां होती है। गाड़ियां तो हम लोग सब में सबके पास है गाड़ियां, लेकिन क्या है कि हम लोग गाड़ियों का सबसे बड़ा एक्सीडेंट का कारण उसका मेंटेनेंस नहीं होना होता है, कई बार गाड़ियां ले एक बार मेरी उसकी ना कोई कभी सर्विसिंग कराना है ना टायर चेक करना ना एयर प्रेशर चेक करना ना क्लच देखना ना ब्रेक देखना ना ब्रेक ऑयल देखना, बस गाड़ी जब तक खड़ी नहीं जाती तो हम गाड़ी को उसकी जान निकाल लेते हैं। फिर क्या होता है कि कई बार फिर समय से गाड़ी में ब्रेक नहीं लगते या स्टेयरिंग फेल हो जाता है या टायर बस्ट हो जाता है तो गाड़ी पलट जाती है, तो सबसे ये भी दुर्घटनाओं के बहुत बड़े कारणों में से एक है। इसलिए अपनी गाड़ियों को भी प्रॉपर नियमित चेकअप जरूरी है, उसका सर्विसिंग जरूरी है, मेंटेनेंस जरूरी है, वो भी कराते रहना चाहिए। यातायात नियम लेफ्ट साइड हम देखते हैं ग्वालियर में बहुत बड़ी समस्या है कि पूरा किसी को लेफ्ट टर्न का कोई जो कॉन्सेप्ट है वो पता ही नहीं कि लेफ्ट क्या होता है, लेफ्ट टर्न क्या होता है, लेफ्ट टर्न हमेशा फ्री होता है, लेफ्ट टर्न हमेशा पीछे से जो ट्रैफिक है उसको खाली रखना चाहिए, इसीलिए कि जिसको सीधा जाना है वो राइट में चले, सीधा जाना है जिसको लेफ्ट जाना है लेफ्ट में, आज का हमने थोड़ा सा लगा दिया डिवाइडर लगा दिया या स्प्रिंग बोर्ड लगाए हुए हैं उसमें, जो जिस ट्रैफिक को लेफ्ट में जाना है उसके लिए वो हमेशा खाली रखना चाहिए, हम लोग जिसको सीधा जाना होता है वो
दफ्तर में आके गाड़ी खड़ी कर देता है, जाम कर देता है, फिर पीछे का अच्छा लंबा पीछे लाइन लग जाती है। तो लेफ्ट टर्न को हमेशा फ्री रखिए, हेलमेट लगाइए, सीट बेल्ट लगाइए, और क्या करना चाहिए ट्रैफिक वाला, मोबाइल पर बात नहीं करना है, किसी प्रकार का वाहन चलाते समय या कभी भी किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करना है। क्या होता है कि वाहन चलाते समय जब नशे में आदमी होता है तो तो किसी प्रकार का नशा नहीं करना है। हम लोग अभी नए जीवन की हम लोगों की शुरुआत है, अच्छे हम लोग सौभाग्यशाली इतने अच्छे इंस्टीट्यूट में हम लोगों ने एडमिशन लिया है, अच्छे से अपने भविष्य को संवारने के लिए जो उसमें रही है सब जीवन में सब चीज जरूरी है, लेकिन रोड पर नहीं, ठीक है ना, रोड पर रोड चलने के लिए है, रोड पर ओवर स्पीडिंग नहीं करना है, और स्टंट भी करते हैं बच्चे आजकल मोटरसाइकिल वाले स्टंट को, तो आजकल आगे वाले पहिया उठाकर गाड़ी चला रहे हैं, स्टंट कर रहे हैं, तो ये भी अलाउड नहीं है, ठीक है। 18 साल से यदि नहीं हुए तो अभी गाड़ी मत चलाइए, 18 साल के बाद प्रॉपर लाइसेंस बनाइए। हमारे यहाँ सर एक्सीडेंट होने के बहुत बड़े कारण ये है कि हर साल लगभग लाखों बच्चे 18 साल के होते हैं और फिर लाइसेंस मिल जाता है। लाइसेंस देने की जो प्रक्रिया है बहुत ईजी है, कोई टेस्ट नहीं है, टेस्ट मालूम वालों को कैसे है, तो घर बैठे लाइसेंस आ जाता है, आदमी मुझे आजकल तो जाने की जरूरत नहीं पड़ती है लगता है। तो फिर जब आदमी सीखता नहीं है तो फिर रोड पर वैसे आसान करेगा, तो इसलिए ये भी जरूरी है कि लाइसेंस देने की प्रक्रिया को थोड़ा सा अच्छा बनाया जाए, कठिन बनाया जाए, उसमें थोड़ा सा लोगों को पहले एग्जाम दिया जाए, फिर उसके बाद प्रॉपर लाइसेंस दिया जाए। मुझे लगता है कि आज का इतना काफी लगी जरूर सबसे निवेदन करूंगा, लेकिन आज बहुत सारे कार्यक्रम है उसमें जाना अपना कोचिंग है काफी सारे सर से जीवी से, तो एक दिन अच्छे अच्छे कार्यक्रम में आएंगे, फिर लंबा सेशन लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि हम लोग जरूर कुछ डेली से कुछ सीखा होगा आपने, कोई और ये सब चीजें हैं आपके घर में बताइए, मम्मी को बताइए, मेरी मम्मी गाड़ी चलाती है, पापा गाड़ी चलाते हैं, भैया गाड़ी चलाते हैं, तो खाली चीज अपने तक नहीं रखना है। ये देश का युवा ही है जो इस चीज को बदल सकता है, बाकी तो अब जो होना था वो चला गया, पुराना अपनी बदल रहा है, उसको बहुत देर लगती है, लेकिन जो आप लोगों ने नई पीढ़ी है आप लोगों को ही ये सारी चीजें ठीक करनी है, अगर रेस फैलानी है तब जाके थोड़ी चीजें अच्छी होंगी। एक योजना गवर्नमेंट चालू की है, पहले क्या होता था कि लोग एक्सीडेंट हुआ और सड़क पे पड़े हैं लोग, लेकिन कोई उस अस्पताल में पहुंचाने की पहल नहीं करता कि हमारे कौन जाएगा, फिर वो थाने बुलाएंगे यार, तो गवर्नमेंट ने इसके लिए एक गुड सैमरिटन योजना चालू की, अच्छा नागरिक योजना। यदि आप किसी घायल व्यक्ति को रोड एक्सीडेंट में घायल हुआ है तो उसको गोल्डन पीरियड कहते हैं, एक घंटे के अंदर उसको चोट लगी आप ट्रॉमा सेंटर में अस्पताल में उसको भिजवा देते हैं, तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ प्रोत्साहन राशि इनाम अभी तो सर 5,000 रुपए की घोषणा की उन्होंने की, जो भी ऐसे आदमी को एक्सीडेंट हुआ और उसको एक घंटे के अंदर गोल्डन आवर में उसको अंदर वो हॉस्पिटल पहुंचा देता है तो उस व्यक्ति को गवर्नमेंट सम्मानित करेगी ना। तो ये इसको भी लोगों को बताइए कि अब ऐसा नहीं है कि आप इंडिया में किसी घायल व्यक्ति को अपने अस्पताल पहुंचाया तो आपको परेशान होना पड़ेगा, बिल्कुल आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा, यदि आप चाहते हैं कि आपका नाम किसी को ना बताया जाए तो आपका नाम भी किसी को नहीं बताया जाए। ये नियम में बदलाव हुआ है, इसलिए भी कोई आपको मिलता है ऐसा व्यक्ति जो घायल है जिसको मदद की जरूरत है उसको अस्पताल अवश्य पहुंचाइए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद सभी को, थैंक यू।